ब्रेकिंग समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि रंगाली बिहू का मौसम है और आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह का जो हम लगातार जो प्रसारित करते आ रहे हैं, जो रंगाली बिहू का जो कार्यक्रम है लगातार प्रसारित करते आ रहे हैं। और मैं फिलहाल उपस्थित हूं वर्धमान पब्लिक एकेडमी स्कूल में। एक रंगाली बिहू के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रंगाली बिहू के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छोटे छोटे बच्चे जो है बिहू नृत्य करके यहाँ जो रंगाली है, रंगाली उत्सव पालन कर रहे हैं। और आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह का जो पूरा दृश्य है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही जो यहाँ के जो विद्यालय के जो लोग हैं, मैं उनके पास जाऊँगा। हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह का जो पूरा दृश्य है, जो यहाँ जो शिक्षिकाएँ हैं, जो टीचर के साथ ही जो यहाँ छात्र छात्राएं हैं, किस तरह का बिहू नृत्य कर रहे हैं। और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास मैं सीधा जाऊंगा और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है किस तरह का आयोजन है। और एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा किस तरह जो सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो यहाँ टीचर्स है, जो फैकल्टी है, वो भी यहाँ बिहू नृत्य कर रहे हैं। और सीधे मैं जो प्रिंसिपल है अजीत जैन जी हैं उनके पास आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले रंगाली बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त तिनसुकिया वासियों को और असम वासियों को रंगाली बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रकृति का यह उत्सव हम सभी के लिए आनंद को देने वाला हो और हम सभी का कल्याण करने वाला हो, मंगल करने वाला हो। ऐसी में असम वासियों के प्रति और तिनसुकिया वासियों के प्रति रंगाली बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस बारे में थोड़ा जानना। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें यहाँ की क्षेत्रीय विरासत का मुख्य स्थान है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों की अलग 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 विरासत है और असम की जो सांस्कृतिक विरासत है वो मुख्य रूप से बिहू उत्सव है। प्रकृति से प्रेम करने वाला और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करने वाला ये वसंत का उत्सव अपने आप में एक अलौकिक आनंद प्रदान करने वाला है। और इस बिहू से असमवासी बहुत ही ओतप्रोत होते हैं और आज वर्धमान पब्लिक स्कूल में भी छात्रों के मध्य में बिहू का उत्सव मनाया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने, अभिभावकों ने और हमारे शिक्षकों ने इस प्रकृति में अपने आप को मिला करके और इस बिहू के रंगाली बिहू के उत्सव में अपने आप को भाव विभोर किया। वाइस प्रिंसिपल के पास भी आऊँगा, आपसे भी जानना चाहूँगा क्या कहेंगे, किस तरह का इस बार का रंगाली बिहू का जो आयोजन चल रहा है किस तरह का चल रहा है और आपके विद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्या कहेंगे। मैं सबसे पहले सबको शुभेच्छा जनाना चाहता हूँ। सभी रंगाली बिहू आम प्रत्येक बसरे इतना बिहू पता है आमार स्कूल वर्धमान पब्लिक स्कूल ये बस आम सरक पता पाती जो नेक्स्ट इयर और इतने और भल्के आयोजन करम बार। मैं समीर जी भी है आपके पास भी आऊँगा क्या कहें। पूरे असम वासी, तिनसुकिया वासी को वर्धमान पब्लिक स्कूल के पूरे परिवार की तरफ से रंगाली बिहू की ढेरों शुभकामनाएं। और बिहू जो एक ऐसा पर्व है जो हमें जोड़ता है एक दूसरे के साथ, तो हमने उसी चीज़ को कॉन्सेप्ट में लेकर यहाँ पे सभी जाति समुदाय के बच्चों के साथ, टीचर के साथ बिहू सेलिब्रेट करने का ये अवसर लिया है और यहाँ पे हम बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। हाँ, और किस तरह का जो आयोजन किया गया है, किस तरह जो यहाँ फैकल्टी भी, जो टीचर्स भी है, टीचर्स भी यहाँ निकल कर आई है और किस तरह का
बिहू नृत्य देखा जा रहा है यहाँ जो फैकल्टी जो है उनके द्वारा भी, और मैं पूरा दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और उनके पास भी जाने की कोशिश करूँगा, उनसे भी जानना चाहूँगा कि जो यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है बिहू का जो मौसम है किस तरह का उनमें उत्साह देखा जा रहा है। मैं अपना उत्साह आहिम कि कब সকলকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমাৰ বৰ্ধমান পাব্লিক স্কুলৰ গ্ৰুপৰ পৰা সকলোৱে বিহু শুভেচ্ছা আছিলোঁ। এয়াই আমি বিহু বুলি অকণ ধেমালি কৰিছোঁ তাকে। জি হ্যাঁ, বিহু কা যো উৎসাহ আৰু ফেকাল্টি হে কিয়া কে উই আৰ গেদাৰ হিয়াৰ টু চেলিব্ৰেট বহাগ বিহু চেলিব্ৰেশ্যন এণ্ড উই নো ডেট ইট ইজ দ্য প্ৰাইড অফ আসাম। থেংক ইউ। और जो किस तरह का जो बच्चों में उत्साह देखा, मैं अपना उत्साह अहम की कब रंगाली बिहू हमेशा ज्ञापन कर लो। हैप्पी बिहू एवरीबडी। हम खूब एंजॉय कर आसो, हमारे स्कूल प्रोग्राम हो आसे, हम खूब एंजॉय करिसु। अगेन हैप्पी बिहू एवरीबडी। हाँ जी हाँ, और किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसे मैं दिखाना चाहूँगा। छोटे छोटे बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे रंगाली बिहू के अवसर पर जो नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं, और विद्यालय में इस तरह के जो रंगाली बिहू को लेकर जो इस तरह का जो बच्चों में नृत्य का जो कार्यक्रम आयोजित कर किस तरह का एक उत्साह देने की कोशिश की जा रही है, अपने संस्कृति के प्रति किस तरह उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है, किस तरह प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये काफ़ी एक प्रशंसनीय विषय है। और आगे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो रंगाली बिहू के अवसर पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा उसका दृश्य आप तक पहुँचाएँ। फिलहाल मैं लूंगा विद्यालय परिषद, बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग समाचार।